हेलो वांगशु लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के पार्ट में हमने देखा वांग जी ने वुइंग को फैमिली डिनर पर इनवाइट किया था। शिचान वुइंग को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां वांग जी खड़ा हुआ है, जाकर उससे मिलो, मैं जंगशा को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। वांग जी की बैक वुइंग की तरफ थी। वांग जी ने अभी तक वुइंग को नोटिस नहीं किया था। वांग जी दो आदमियों से बात कर रहा था जो वांग जी से हाइट में काफ़ी छोटे थे। दोनों के साथ में एक वुमेन भी खड़ी हुई थी। वुइंग एक गहरी सांस लेता है, वो पीछे से जाकर वांग जी को वेस्ट से पकड़ लेता है और पूरे ग्रुप में अनाउंस कर देता है कि वांग जी सिर्फ उसका है। वांग जी भी वुइंग को देखकर तुरंत मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वो उन दोनों आदमियों और लेडी को वुइंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। वुइंग अब वांग जी से नर्वसली पूछता है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वांग जी कहता है, वो लोग बस एक घंटे में आते ही होंगे, तब तक तुम ज़रा मेरे साथ चलो। वुइंग कहता है, पर कहाँ नंजा? वांग जी कहता है, नो क्वेश्चंस, बस मेरे साथ चलो। सारे गेस्ट को बिना कोई अटेंशन दिए वांग जी आगे आगे जाया जा रहा था और वुइंग उसके पीछे आ रहा था। जब दोनों हॉलवे के कॉर्नर तक पहुँच जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था, वुइंग एक बार फिर कहता है, लंजा हम जा कहाँ रहे हैं? वांग जी उसे बिना कुछ जवाब दिए सीधे उसे उठाता है और अपने शोल्डर्स पर डाल देता है। वुइंग घबराते हुए कहता है, व्हाट लंजा, ये क्या कर रहे हो? वांग जी उसके बैक साइड पर एक हार्ड स्लैप मारते हुए कहता है, शांत रहो वरना मैं वहीं सबके सामने खींच कर तुम्हें ले जाऊँगा और बता दूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वुइंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लंजा को क्या हुआ। वांग जी एक ऑफिस की तरफ जाता है जो पूरी तरीके से खाली था। उस ऑफिस में ले जाकर फाइनली वो वुइंग को अपने शोल्डर्स पर उतार देता है। वुइंग उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। पास ही की एक एम्प्टी टेबल पर वो वुइंग को उठाकर अचानक से बिठा देता है। वुइंग की आँखें वाइड रह गई थी। वुइंग ने वांग जी की रिस्ट को पकड़ लिया था। वांग जी अपना फेस उसके फेस के बहुत नज़दीक ले जाकर कहता है, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो वुइंग की, इससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं देख ही नहीं पा रहा था कि कोई और तुम्हें देखे। ये सुनने के बाद वुइंग के चेहरे पर जो कन्फ्यूज एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए थे और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो अपनी नोज़ वांग जी की नोज़ से थोड़ा थोड़ा रगड़ते हुए कहता है, सीरियसली लंजा, तुम इतने बड़े चालस हो। वुइंग को बिना कोई वार्निंग दिए वांग जी उसके नेक के अराउंड उसे पुश करता है और सीधे उससे कहता है, अपने लेग्स खोलो। वुइंग ओबीडिएंटली अपने लेग्स खोल भी देता है। वांग जी सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है। वो कुछ सेकंड्स तक वुइंग की उस साइड को अच्छे से अप्रिशिएट करता है। वुइंग ने ब्लैक कलर की शेयर शर्ट और ग्रे कलर के पैंट्स पहने हुए थे। वांग जी एक झटके में उसके पैंट्स को निकाल देता है और उसके इनर थाइस पर बाइट करना शुरू कर देता है। बाइट करते करते उसने वुइंग के थिक थाइस को अपने शोल्डर्स पर रख लिया था और अब उसका फेस वुइंग के पैरों के बीचों बीच था। वांग जी उसे टेस्ट करता ही है, वुइंग अचानक अपने हाथ वांग जी के बालों में ले जाता है और उससे कहता है, कोई आ जाएगा लंजा। पर इस वक्त वांग जी के चेहरे पर प्योर लस्ट था, उसे कुछ और नहीं दिख रहा था। वो वुइंग का हाथ हटाते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और हार्श हो जाऊं? नहीं ना वुइंग, तो प्लीज़ मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। वांग जी एक बार फिर उसकी वेटनेस पर अपने लिप्स ले जाता है। अब वुइंग बुरी तरह मोनिंग कर रहा था। वांग जी का हेड वुइंग के दोनों लेग्स के बीचों बीच बिल्कुल अटैच्ड था। इस वक्त वांग जी को बाहर गेस्ट के साथ होना चाहिए था, पर यहाँ वो अपने एंजल बॉय के साथ था। वुइंग के लेग्स के बीच में खुद को खो चुका था। वुइंग के लेग्स बुरी तरह कपकपा रहे थे और वांग जी बार बार अपने हेड को साइड टू साइड मूव कर रहा था, जिससे वो वुइंग को और भी ज़्यादा वाइब्रेशन पहुंचा सके। वुइंग उससे कहता है, लंजा वेट, आज तुम्हारा बर्थडे है। उसने अपने दोनों हाथों से टेबल क्लॉथ को टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे वो अपने मोनिंग को कंट्रोल कर सके। वांग जी जब नहीं रुकता, वुइंग को वहीं ऑर्गेज्म हो जाता है। ब्रेथलेसली वुइंग उससे कहता है, मुझे ये तुम्हारे लिए करना चाहिए था लंजा। वुइंग नीचे झुककर वांग जी को किस करता है और वुइंग से कहता है, अब जल्दी से खुद को क्लीन कर लेते हैं
ओके माय एंजल बॉय, हमें बाहर भी जाना है। विंग मुस्कुराने लगता है। दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, उन लोगों का सामना वांग जी के फादर से होता है, जिनके पास खड़े होने से ही विंग को कोल्ड फील हो रहा था। वांग जी अपने फादर से विंग को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो विंग के फादर उससे कहते हैं, तो तुम ही हो फेंगम्यान के बेटे। विंग हाँ में सिर हिला देता है। तो वांग जी के फादर अब वांग जी से पूछते हैं, क्या तुम पहले से जानते थे? वांग जी कह देता है, नहीं, मैं नहीं जानता था, पर अब जानकर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी के फादर उससे कहते हैं, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, और जहाँ तक मुझे लगता है शिचैन को भी नहीं पता होगा। शिचैन भी उस फेंगम्यान के बेटे को ही पसंद करता है। अगर मुझे तुम दोनों के लिए इन्हें एक्सेप्ट करना भी पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को लेकर 100% श्योर हो। समझ नहीं आता तुम दोनों को ही मेरे राइवल के बेटों से कैसे प्यार हो गया। वांग जी कहता है, यस डैड, मैं विंग को लेकर 100% श्योर हूँ। मैं एक बार विंग के फादर से बात भी करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनके बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी का फादर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो। आई होप उसे तुम्हारा मैसेज अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो मुझे बीच में आना होगा। मेरे साथ ही ये सब कुछ शुरू हुआ था, मैं ही इस दुश्मनी को ख़त्म भी करूँगा। वैसे हमारे बीच कुछ भी क्यों ना रहा हो, पर ये बात मुझे एडमिट करनी होगी कि वो बहुत लॉयल है, इसलिए वो जेल के पीछे है, जबकि उसके आदमी अभी भी आराम से घूम रहे हैं। फैमिली डिनर ख़त्म हो जाने के बाद विंग और वांग जी अब अकेले थे। विंग अपनी शर्ट निकालते हुए सोफे पर बैठता है और वांग जी से कहता है, आज के लिए मैंने बहुत सोशल इंट्रैक्शन कर लिया है, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है लंजा। वांग जी भी अपना कोट निकालते हुए एक एग्जॉस्टेड वॉइस में कहता है, मैं भी पूरे एक महीने तक किसी और ह्यूमन से बात नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। विंग वांग जी से कहता है, वैसे मुझे तुम्हारे डैड बहुत अच्छे लगे। वांग जी कहता है, शायद उन्हें भी तुम काफ़ी पसंद आए हो। काश तुम मेरी बाकी की फैमिली से भी मिल सकते, मेरे अंकल से, मेरी कज़िन से, पर वो लोग यहाँ नहीं हैं। विंग कहता है, प्लीज़ लंजा, किसी और से मिलने की बात फ़िलहाल तो मत ही करो, वरना मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगा। वांग जी हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ। विंग अब अचानक से काउच से खड़ा हो जाता है, तो वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ? विंग एक्साइटेडली कहता है, मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम्हें अपने बर्थडे पर मुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। वांग जी कहता है, तुम क्या लेकर आए हो? विंग जल्दी से बाहर जाता है और जब वो अंदर आता है तो अपने साथ एक केक बॉक्स लेकर आता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, केक? वाह, मुझे केक बहुत पसंद है। विंग कहता है, पूरे आफ्टरनून मैंने इसको बेक करने में बिता दिया, पता नहीं ये कैसा बना होगा। वांग जी उससे कहता है, तुमने ये बेक किया है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। वांग जी कहता है, और तुम्हें मेरे फेवरेट फ्लेवर्स कैसे पता थे? विंग कहता है, शायद तुम भूल गए, हमारे फर्स्ट डेट पर तुमने इन्हीं फ्लेवर्स की चीज़ें ऑर्डर की थी, तभी मैं समझ गया था। विंग केक पर एक कैंडल लगाता है और वांग जी से कहता है, अब जल्दी से एक विश मांगो। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है और विंग को थैंक्स कहता है। तो विंग उससे कहता है, एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ नलंजा। वांग जी कहता है, ये सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, थैंक यू। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कह पाता, विंग उसकी फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा थैंक्स कहते हो। वांग जी भी उसे हग करते हुए कहता है, वैसे हमारे बीच क्या रिश्ता है? उसकी टोन की सडन चेंज में विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो उससे अलग होने ही वाला होता है, तभी वांग जी उसका हाथ जकड़ते हुए कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहना चाह रहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। विंग एक सॉफ्ट टोन में उससे कहता है, मुझे लगा था कि हम ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर चुके हैं, जब मॉर्निंग में तुमने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और तुम मुझसे अभी भी ये पूछ रहे हो। वांग जी उसके लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है, यस, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो विंग। दोनों साथ में केक खाते हैं। वांग जी का बर्थडे अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा था। अपने बर्थडे इवनिंग पर वांग जी अपनी फैमिली को छोड़कर विंग के साथ उसके छोटे से अपार्टमेंट में स्टे कर रहा था। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों का रिश्ता यहाँ तक आ जाएगा। जिस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ सेक्स से हुई थी, आज वो दो दिलों का रिश्ता बन चुका था। अगली सुबह जब विंग की आँखें खुलती हैं,
तो दिन के 3:30 बज चुके थे। उन दोनों को सोते सोते ऑलमोस्ट 14 आवर्स बीत चुके थे। वुइंग देखता है कि वांग जी उसे कस के जकड़े हुए सोया हुआ था और उसका स्लीपिंग फेस बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे वो महीनों बाद इतने चैन से सोया हो। वुइंग वांग जी को जगाते हुए कहता है, लंजा जल्दी उठो। वांग जी जब उठने का नाम ही नहीं ले रहा था तो वुइंग एक पिलो लेता है और उसे हिट करते हुए कहता है, लंजा अब उठने का समय हो गया है। पर उससे पहले ही वांग जी वुइंग के हाथ से वो पिलो छीन लेता है, वुइंग की गर्दन को ग्रैब करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसकी नेक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तो तुम्हें किंकी स्टफ पसंद है? वुइंग उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है पर वांग जी टच से मस नहीं हो रहा था। अचानक से वांग जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वुइंग फ़ोन पर नेम रीड करता है तो वो नेट का मैसेज था, वही लड़की जो वांग जी के पीछे पड़ी हुई थी। मैसेज में लिखा हुआ था, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वांग जी, आई एम सॉरी कल मैंने तुम्हें विश नहीं किया, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज तुम फ्री हो ना, क्यों ना हम दोनों आज साथ बैठकर डिनर करें, या तुम मेरे प्लेस पर भी आ सकते हो। मैसेज पढ़ते ही वुइंग जेलसी से इतनी बुरी तरह भर चुका था कि वो वांग जी को खुद के ऊपर से हटाता है और दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। वुइंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने हाथों में मुट्ठी बांध दी थी। वो बुरी तरह उस लड़की नेट को मारना चाहता था। वांग जी जैसे ही ये देखता है उसके हाथ को पकड़ते हुए सॉफ्टली उसके कान में कहता है, वुइंग उसकी परवाह मत करो, मुझे नहीं पता कि वो क्यों मुझे मैसेजेस सेंड कर रही है, मैं ऑलरेडी उसे कह चुका हूँ कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। वुइंग को अभी भी वांग जी की बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। वो मन में सोच रहा था कि लंजा के फ़ोन में अभी तक उसका नंबर क्यों है। वो बेड से उठता है और वांग जी को बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी उसको आवाज़ लगाता रहता है पर वुइंग उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी वांग जी का फ़ोन बजने लगता है, उसी नेट ने फ़ोन किया था। वांग जी जान पूछ कर कॉल को स्पीकर पर रखता है और उसे फ़ोन उठाते हुए कहता है, तुम मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो, मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ ना कि मुझे मैसेज करना या मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। वुइंग ये सब कुछ सुनने के बाद वहीं रुक जाता है। ये सब सुनने के बाद नेट फ़ोन पर कहती है, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में नहीं आना चाहोगे वांग जी, आज मैंने बहुत सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम इन्हें उतारना नहीं चाहोगे? नेट जानबूझकर वांग जी को उकसाने की कोशिश कर रही थी। वुइंग का गुस्सा बहुत भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वांग जी के एक्सप्रेशंस भी काफ़ी डेंजरस हो गए थे और अब वो गुस्से में कहता है, एक और बार तुमने मुझे कॉल किया तो मैं सीधा पुलिस तुम्हारे घर भेजूंगा। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट होते ही वुइंग वांग जी के पास जाने वाला होता है पर वांग जी फिर से वही कोल्ड आइसी एक्सप्रेशंस के साथ वुइंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर इतना कम विश्वास है वुइंग, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें अभी भी मेरी लॉयलिटी पर शक है। वुइंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वांग जी इस बार सच में बहुत हर्ट दिख रहा था। वो वांग जी से कहता है, नहीं लंजा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। वांग जी उससे कहता है, तुम बस क्या वुइंग, हम दोनों ने इतनी सारी बातें की, इतना अच्छा समय बिताया, उसके बाद भी तुमने अज्यूम कर लिया कि मैं इतना घटिया इंसान निकलूंगा। वांग जी उठकर जाने लगता है। वुइंग उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो लंजा? वांग जी बिना वुइंग की तरफ देखते हुए कहता है, डैड और शिजैन की कुछ मिस कॉल्स पड़ी हैं, मुझे अब जाना होगा। वुइंग उसका हाथ पकड़ता है उसे रोकने के लिए और उससे कहता है, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो लंजा, आई नो मुझसे गलती हुई है। वांग जी उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हम दोनों को आज बहुत ज़्यादा समय हो गया है सोते सोते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वुइंग हाँ में सिर हिला देता है और वांग जी का हाथ छोड़ देता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही वुइंग मन में सोच रहा था, ये नेट जो भी है मुझे मन कर रहा है कि उसके फेस पर पंच लगाऊं। वांग जी के जाने के बाद वुइंग अपने लिविंग रूम को फिक्स करने में लग जाता है। शावर लेने के बाद वुइंग सोचता है कि उसे लंजा को कॉल करना चाहिए या नहीं, आखिरकार वो उसे कॉल कर ही देता है। वांग जी कॉल उठाते हुए कहता है, हाय वुइंग। वुइंग पूछता है, क्या तुम बिजी हो? वांग जी कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए कभी भी बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था और तुमसे माफ़ी भी मांगने वाला था, मुझे इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी उस वक्त मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मैं कोई नहीं होता इस तरह बिहेव करने वाला, पर मैं क्या करूँ वुइंग, मैं तुम्हें लेकर इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ,
तुम्हारी इतनी ज़्यादा परवाह करता हूँ कि बस थोड़ा सा ही इंडिकेशन जब मुझे मिलता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, मैं पागल सा हो जाता हूँ। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी भर जाती है। वेंग कहता है, आई नो लंचा, मेरी भी गलती है। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आई एम सॉरी टू लंचा। वांग जी कहता है, मुझे बहुत टाइम पहले ही उसका नंबर डिलीट कर देना चाहिए था। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आगे जाकर ये मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। डोंट वरी वेंग, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वेंग बेड पर लेटते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो। मैं बोर फील कर रहा हूँ लंजा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? वांग जी कहता है, रात के 10 बज रहे हैं, ऑफकोर्स हम कुछ कर सकते हैं। जल्दी से पैक करो, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, हम होटल जा रहे हैं। वेंग कहता है, होटल? पर कौन से होटल लंजा? वांग जी कहता है, ज़्यादा मत पूछो, तुम सामान पैक करो, मैं पहुंच रहा हूँ। कॉल कट होते ही वेंग एक्साइटेडली अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। वो बाथरूम जाकर फ्रेशन अप हो जाता है और जैसा कि वांग जी ने कहा था, थोड़े समय में ही वो वेंग की डोर्स तक पहुंच गया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।